जय भीम। मैं अर्जुन सिमोलिया। दोस्तों सबसे पहले आए वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आपने देखा जो कि मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली कुंदर की विधानसभा सीट, जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, उसमें कुंदर की विधानसभा सीट इसी तरह हाईलाइट सीट है जिस तरह उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे 2024 के, नगीना की सीट चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने के कारण हाईलाइट हो गई थी, उसी तरह अब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कुंदर की विधानसभा सीट को भी नगीना की तरह ही सुर्खियों में लाने वाली विधानसभा सीट बना दी है। अब कुंदर की विधानसभा सीट पर हाजी चांद बाबू के समर्थन में कल 24 अक्टूबर को चंद्रशेखर आजाद के द्वारा एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तस्वीरें आपने देख ही चुके हो कि ये भीड़ से स्पष्ट हो चुका है। कल जो भीड़ कुंदर की विधानसभा सीट पर उमड़ी है, जो लोगों का हुजूम, जो लोगों का जनसैलाब हाजी चांद बाबू के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मैदान में उतरा है, उससे साफ स्पष्ट हो चुका है कि अब आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार हाजी चांद बाबू अब विधानसभा में जा रहे हैं। अब आजाद समाज पार्टी भाजपा से अपने हक अधिकारों के लिए उनका जो विधायक बनेगा वो विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद की तरह ही विधानसभा में बहुजन समाज के हक अधिकारों की आवाज बुलंद करेगा, क्योंकि ये लोगों की भीड़ जो हाजी चांद बाबू को जिताने के लिए कल उमड़ी, लगभग आपको बता दें कि 30,000 लोगों की भीड़, ऐसा बताया जा रहा है कि 30,000 लोग जो ग्राउंड में आपने देखा और इसके आसपास भी सड़कों पर ठेलों के पास भी लोग काफ़ी ज़्यादा उमड़े हुए थे। ये कुंदर की विधानसभा सीट के अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं, हमने आपको कल भी बताया था, लगातार बता रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी इस बार नगीना की तरह ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, चाहे रविंद्र भाटी हो, कमल वालिया हो, विनय रतन हो या और भी उनकी जो लीडरशिप है, वो लगातार अब अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो उसी तरह की रणनीति को अपना रहे हैं जिस तरह से मोदी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे राज्य में तुरंत प्रचार करने लगते हैं, ऐसा ही चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं। हरियाणा जम्मू में चुनाव लड़ने के बाद अब झारखंड महाराष्ट्र में भी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रियो मायावती जी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं उपचुनाव के, उनमें अब BSP ने कल आधिकारिक 8 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, यानी कि अब जो फाइनल लिस्ट है वो BSP ने उपचुनाव में जारी कर दी है। अपनी स्क्रीन पर आप वो लिस्ट देख पा रहे होंगे जिसमें अगर हम बात करें, कठहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा को टिकट दिया गया है, फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र कुमार सिंह को, मीरापुर विधानसभा सीट से शाह नजर, सीमा मऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला,
करहल से अवनीश कुमार साख, कुंदर की विधानसभा सीट से रफत उल्ला उर्फ नेता छिद्दा को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से परमानंद गर्ग को टिकट दिया गया है। मझुआ विधानसभा सीट से दीपक तिवारी उर्फ दीपू को यहां पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लिस्ट जारी करके 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भाजपा और सपा को हराने के लिए मजबूती से इस बार उपचुनाव लड़ रही है। साथियों, बहुजन समाज से जुड़ी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी या जितने भी बहुजन संगठन हैं, पार्टियां हैं, जिनकी खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है या दिखाता है तो बहुत कम दिखाता है, और इनकी खबरें दिखाने से परहेज लगातार मीडिया करता रहा है और भ्रामक खबरें चलाने में आगे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन मीडिया इसी तरह से आपकी हर एक खबर, चाहे वो किसी भी प्रकार की अपडेट हो, आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो नैतिक टीवी जो आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, साथ ही साथ यह जानकारी अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोगों को यह बता दें कि आजाद समाज पार्टी कितनी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 9 सीटों पर हो रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स यानी ट्विटर पर अर्जुन नैतिक टीवी अकाउंट है उसे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कीजिए, सबसे पहले अपडेट हम वहीं पर आपको देते हैं। इसके अलावा जो खबरें यहां पर नहीं दिखा पाते हैं वो एक्स पर दिखाते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी अपडेट देते रहें तो इंस्टाग्राम पर भी अर्जुन नैतिक टीवी नाम से अकाउंट है, वहां पर भी फॉलो कीजिए। फिलहाल आप रखें अपना ख्याल, मिलते हैं किसी अन्य खबर में साथियों।